नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको ब्रोकली की बहुत ही हेल्दी रेसिपी बतलाने वाली हूँ। तो चलिए बनाकर दिखलाती हूँ ये कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले तो इस ब्रोकली का जो सबसे मोटा पार्ट है, मैंने बहुत बड़ा सा एक ब्रोकली लिया है, इसका ये जो मोटा पार्ट है हम इसको कट कर लेंगे। इसे निकाल लेंगे और अब हम इस पूरे पार्ट को बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसे बॉईल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में, जितना बड़ा ब्रोकली है उसके अनुसार हम एक पतीला ले लेंगे और उसमें हम पानी को बॉईल होने के लिए चढ़ाएंगे। अब हम चाहे तो ब्रोकली का पीस भी कर सकते हैं, हम इसके एक एक फ्लावर को निकाल कर और तब भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही सीधा पूरा का पूरा ब्रोकली को बड़े से पतीले में डालकर और एक बार में बॉईल कर लूँगी। पानी एकदम बॉईल हो गया है, हम इसमें ब्रोकली डाल देंगे। एक बार हम इस तरह से रख के बॉईल कर लेंगे और फिर दूसरी बार उलट कर बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट हम इस तरह से रख कर हम 5 मिनट बॉईल कर लेंगे और फिर उलट कर 5 मिनट बॉईल कर लेंगे। इसे हम ढक देते हैं। अभी ये खूब अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, 10 मिनट मैंने इसे बॉईल किया। अब हमें इसे पानी से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके पानी को ड्रेन कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। ब्रोकली ठंडा होता है तब तक हम इसके आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस सलाद में डालने के लिए हमें चाहिए होते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन। तो हरी मिर्च और लहसुन को मैं थोड़ा पीस लेती हूँ। ये करीब 15 लहसुन की कलियाँ हैं और 4 हरी मिर्च है। ये मैंने अपने अनुसार तीखा लिया है। आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं मिर्ची की जगह पर, या फिर मिर्ची कम करके अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन इसमें लहसुन की कलियां थोड़ी होती है तो अच्छा होता है। मैंने 1/2 किलो ब्रोकली लिया है, उसमें मैं 15 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। 1/2 किलो से 750 ग्राम अगर हम ब्रोकली लेते हैं तो उसे 15 लहसुन की कलियां डालेंगे तो अच्छा लगेगा। इसे हम एक बार पीस लेंगे। अब हम प्याज और टमाटर को कट करके रख लेंगे। मैं 3 प्याज ले रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, अच्छा लगता है। इस तरह से हम प्याज काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे, अभी के सीज़न में देसी टमाटर मिलता है। इसे मैंने पीस लिया है, देखिए थोड़ा सा ये मोटा है, बस थोड़ा सा इसे पीस लेते हैं, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा टेस्टी लगता है कोई भी चीज़। ब्रोकली ठंडा हो जाता है तो हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं।
इसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसमें ये सब चीज़ जो मैंने काट के रखा है और पीस के रखा है उसको मिक्स कर देंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। करीब आधा चम्मच मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। जब हम इसे मिक्स कर लेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि इसमें और नमक की ज़रूरत है या नहीं। अब इसमें मैं डालूंगी बटर, करीब 2-3 चम्मच। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब चूंकि ये बटर अमूल बटर है तो इसमें भी नमक होता है, इसलिए हम सलाद में नमक थोड़ा कम डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें बटर मिक्स हो चुका है। अब हम इस रेसिपी को चाहे तो कढ़ाई में बना सकते हैं या फिर बेक कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बस 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे बेक करना है या ढककर और 5 से 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। हम इसे ऐसे ही बेक करने डाल सकते हैं। और यदि आपको चीज़ बहुत अच्छा लगता है तो इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर दें, तो इसलिए मैंने इसमें नमक कम डाला है कि चीज़ में भी नमक होता है, बटर में भी नमक होता है, तो मैंने इसमें नमक कम डाला है। अब मैं इसे 10 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में रखने वाली हूँ, जिसे कि मैंने 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट किया है। और 10 मिनट के लिए मैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसे गर्म करूँगी, बेक करूँगी। मैंने प्री हीटेड ओवन में इसे 10 मिनट्स के लिए बेक होने को रख दिया है और बोथ साइड हीटिंग है इसका। तो इस तरह से देखिए हम ब्रोकली का सलाद तैयार करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप अगर मिर्ची नहीं खाते हैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। नमक बहुत ही सावधानी से डालेंगे क्योंकि हम अगर अमूल बटर यूज़ करते हैं सॉल्टेड तो उसमें भी नमक होता है, चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ में भी नमक होता है, तो नमक तेज हो जाता है, इसलिए नमक देने में थोड़ा सावधानी रखेंगे। और उसके बाद हम इसे बेक सिर्फ 10 मिनट करेंगे। उतने में ही ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाता है, हर चीज़ मिक्स हो जाता है और इसका स्वाद दुगना हो जाता है। आप इसे बना कर देखें। इस हेल्दी रेसिपी को खाकर अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।